चन्नानन्दं जनयति जनानां निजतनु प्रभातान्त्वतावान्तः
सहित हरिवंशो विजयते, सहित हरिवंशो विजयते। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, माता श्री तारा रानी, पिता श्री व्यास मिश्र जी, समस्त परिकर के साथ मथुरा मंडल के लिए पधारे हैं ब्रजभूमि के दर्शन के लिए। एक रात्रि विश्राम हुआ, प्रातकाल ही जो ब्रजवासी जन आए थे, आकर वे उनसे मिले व्यास जी से और कहा चलिए। वहाँ से लेकर जहाँ उनका पड़ाव पड़ा था विश्राम घाट पर पहुँचे, यहीं से 84 कोस की परिक्रमा प्रायः प्रारंभ होती है। अपने भी मानसी परिक्रमा इनके साथ करेंगे जितनी जितनी श्री जी कराएं, तो जैसे जैसे स्थलियों का वर्णन हो वैसी वैसी भावना करें कि हम भी वहीं हैं, तो मानसी का ज़्यादा फल होता है। अपने को फल फूल से नहीं, लेकिन अपना फल एक ही है, सब कर मांगत एक फल राम चरण रति होए। हमारी हर चेष्टा का, हर कार्य का, साधन का, जो भी प्रभु हमसे करा रहे हैं, जो भी हमारा जीवन है, उसकी पूर्णता श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग हमारे हृदय में जागृत हो जाए, बस। सब कर मांगत एक फल राम चरण रति होए, श्यामा श्याम में हमारी प्रियता हो जाए। और ब्रजमंडल ये तो मूर्तिमान प्रेम ही है, इसकी महिमा का क्या वर्णन करें। विश्राम घाट पर पहुंचकर वहाँ अनेकों ब्राह्मणों को दान दिया श्री व्यास मिश्र जी ने, यमुना जी का स्नान आचमन, उनकी पूजा अर्चना की और वहाँ महिमा का वर्णन करने लगे ब्रजवासी भी और श्री व्यास मिश्र जी। महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। भगवान की सप्तपुरी हैं अयोध्या जी, मथुरा पुरी जी, काशी कांची आदि, इनमें सब मोक्ष प्रदान करने वाली सामर्थ्य से युक्त हैं, प्रभु के चरणों में अनुराग प्रदान कर देने वाली हैं। पर इन सब में विशेष है श्री मथुरापुरी जी, अयोध्यापुरी जी, श्री मथुरापुरी जी, जहाँ परम ब्रह्म स्वयं अवतरित होते हैं, यहाँ खेलते हैं। मथुरा को महापुरुषों ने कहा है ज्ञान भी जहाँ लीन हो जाए, ज्ञान भी जहाँ समा जाए, और ये प्रेम में ही सामर्थ्य है जो ज्ञान का विस्मरण करा देता है। मूर्तिमान प्रेम प्रभु जिसका आश्रय लेकर अवतरित हो रहे हैं, ऐसी महान स्थली का वर्णन ग्रंथाकार कह रहे हैं कि आप स्वयं ही कर लीजिए कि इसकी कैसी महिमा होगी। जिसका आश्रय, समस्त आश्रयों के दाता प्रभु हैं, वे जिसका आश्रय लेकर प्रकट हो रहे हैं। हम प्रायः जानते हैं कि यहाँ भगवान का अवतार कृष्ण के, कृष्ण अवतार कंस के कारागृह में हुआ, प्रार्थना देवताओं ने की, बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, चारों ओर कंस का महान भय उपस्थित, उसके बंधन से छुड़ाने के लिए और भी अनेकों महान
विपरीत स्वभाव वाले ये सब प्रकट हुए थे दानवजन, इन सब का उद्धार करने के लिए प्रभु ने मथुरापुरी में ही अवतार धारण किया। धन्य है ये पुरी, ये नगरी बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? भगवान बैकुंठ में विराजते हैं, उनसे बैकुंठ की शोभा है, और वे प्रभु श्री मथुरापुरी का आश्रय लेकर यहाँ अवतरित हो रहे हैं। तो इससे आप स्वयं ही समझ लीजिए कैसी इसकी महिमा है। अब जो कह रहे हैं बहुत विशेष बात, अहो मधुपुरी धन्या बैकुंठांच गरीयसी दिन मेकम निवासेन हरियो भक्ति प्रजायते। दिन मेकम निवासेन, एक दिन यदि निवास हो जाए मथुरापुरी में तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम हृदय में स्फुरित हो जाता है। एक दिन बस निवास हो जाए, एक दिन बस, ऐसी अद्भुत महिमा है। हृदय में स्फुरित होने लगता है, प्रकट होने लगता है। श्री मथुरापुरी जी किसी भी तरह उसका आश्रय ले लिया जाए तो चार प्रकार का मोक्ष प्रदान कर देते हैं, चार प्रकार से मोक्ष प्रदान करती है। जन्म हो जाए मथुरापुरी में, या मृत्यु हो जाए, जन्म हुआ तो भी निश्चित हो गया परम पद, आपकी मृत्यु यदि हो जाए निश्चित हो गया परम पद, और शरीर कहीं और छूटा और यहाँ आके अंत्येष्टि संस्कार हो जाए तब भी परम पद निश्चित हो गया। ऐसी विलक्षण महिमा का वर्णन कर रहे हैं। गली गली में मुक्तियाँ भटकती रहती है, यज्ञोपवी संस्कार भी हो जाए तब भी आप परमपद के अधिकारी हो जाए। चारों प्रकार से ये मुक्ति देने वाली है। यहाँ मुक्ति का स्वरूप प्रभु के चरणों की प्रियता है। इस यहाँ जो मुक्ति का अर्थ ले रहे हैं वो प्रभु के चरणों का प्रेम है। संसार के प्रपंच से हम मुक्त हो जाएं, यहाँ से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में आसक्ति, ये मथुरापुरी जी देती हैं। सतयुग के अंत में मधु नाम का एक बहुत विकट दैत्य हुआ, समस्त असुरों को जीत लिया उसने अपने बल से, त्रिलोकपति बन गया, हाहाकार मच गया चारों ओर, सब भगवान की शरण में गए, प्रार्थना करी प्रभु कृपा करो इसे कैसे जीता जाएगा, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जो इसका वध कर सके, इसको जीत सके। प्रभु ने कहा ठीक है, और स्वयं प्रभु उससे युद्ध करने के लिए आए। 10 वर्ष तक युद्ध हुआ, ऐसा है 10 वर्ष तक उसका वध यही हुआ। इसीलिए इसको मधुपुरी भी कहते हैं। भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा, 10 वर्ष संग्राम चला, बाद में मधु नाम के दैत्य का प्राणांत हो गए। समस्त देवताओं ने प्रभु की वंदना करी, स्तुति करी, और प्रभु को माधव नाम से पुकारा। मधु दैत्य का वध करने के कारण प्रभु का माधव नाम हुआ। इसी प्रकार जहां वध हुआ, जहां उसको विराजमान किया, इसका नाम मथुरा रखा गया। सतयुग के यद्यपि ये आदि हैं ब्रजमंडल, इसकी कोई नहीं, लेकिन जो प्रकट में लीला हुई है उसी समय देवों के द्वारा 84 तीर्थ स्थापित हुए। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि के अनुसार इसका नाम मधुरा, मधुरा, मधुपुरी, महुरा, मधुपन्ना, मधुशिकादिक नाम आदि मिलते हैं। अनेकों तरह से इसका वर्णन है।
त्रेता युग में ये सत्ययुग की लीला है जो मधु नामक दैत्य का वध हुआ। त्रेता युग में जब भगवान प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी, तो शत्रुंज जी को यहाँ का चर्चा सुनी हो तो यहाँ भेजा गया था। तो श्री शत्रुधन जी ने लवणासुर जो मधु नामक दैत्य का पुत्र था उसका वध करके यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। सघन कानन को थोड़ा उसको काट कर एक नगरी की स्थापना की, मथुरा नाम से बसाई गई। इसका बहुत विस्तार से है, अपने उधर नहीं जाएंगे। फिर द्वापर में साक्षात परम ब्रह्म जो वेदों के द्वारा वंदनीय हैं, सबके आराध्य हैं, श्री भगवान कृष्णचंद्र जो यहाँ जन्मभूमि में प्रकट हुए, उनकी जन्मभूमि हुई कंस के कारागार में। कलयुग में जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो अनेकों मिलेच्छ राजाओं द्वारा इसे नष्ट किया गया। 17 बार एक सुल्तान हुआ, 17-18 बार मथुरा जी को लूटा उसने। अपने मुख से उसने कहा है कि ये दिव्य है, ये किसी मनुष्य के द्वारा यहाँ की रचना नहीं की गई। जो बड़े बड़े मंदिर हैं, 17 दिन और 17 बार उसे लूटा, इतना यहाँ से धनादि लेकर गया बहुत। तो इसकी उपस्थिति रही लेकिन मिलेच्छ राजाओं द्वारा बार बार अत्याचार के कारण ये छिप गया। ऐसा भी आदेश कर गया किया गया कि यमुना जी आदि में कोई स्नान नहीं करेगा, वहाँ कोई जाएगा नहीं। तो भय की वजह से भी घाट सूने पड़े रहते हैं। बाद में जब ये सब आचार्य रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, उनकी कृपा से पुनः ये सब ठीक हुआ। भगवान 12 पृथ्वी से कहा कि मेरा माथुर मंडल बिसंति योजन विस्तृत है। बिसंति 80 कोस, इसी को 84 कोस भी कहते हैं। यहाँ पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और स्नान से समस्त पापों से निवृत्ति हो जाती है मथुरा मंडल के लिए। पुराणों में यह मथुरा मंडल या माथुर मंडल कहलाया है। श्री नारद जी से एक बार राजा बहुलाश्व ने प्रश्न किया कि प्रभु मथुरा जी के अधिष्ठात्र देव कौन है, यहाँ के रक्षक कौन है, चारु मंत्री सेवनकर्ता कौन है। ऐसी प्रार्थना करी तो नारद जी ने कहा कि केशव देव जन्मभूमि में जो विराजमान है, बहुत सुंदर है, श्री केशव देव जी ही यहाँ के नाथ हैं, जिन्हें वाराह देव के भी नाम से जाना जाता है, वही इस मथुरा मंडल के नाथ हैं। सबसे पहले ये जो सुंदर विग्रह है केशव देव जी का, श्री कपिल देव जी के पास आया। उनके बाद ये भ्रमणशील होते हुए इंद्र के पास पहुँचे, केशव देव जी का विग्रह जो अभी विराजमान है। इंद्र के पास से उसे परास्त करके रावण वहाँ से ले आया। रावण के बाद भगवान राम के पास आए, अयोध्यापुरी में इनकी उपासना हुई। जिस समय भगवान ने शत्रुघ्न जी को आज्ञा करी कि आप जाओ मथुरा जी में जाकर रहो, तो उनसे प्रार्थना करके श्री केशव देव जी को शत्रुघ्न जी यहाँ ले आए थे और यहीं विराजमान किया, उनकी स्थापना की। कपिल वारा ही यहाँ के मंत्री हैं, केशव देव जी ही यहाँ के नाथ हैं और कपिल वारा भगवान यहाँ के मंत्री हैं। मथुरा के रक्षक हैं भूतेश्वर भगवान, भगवान भूतनाथ महादेव, जिन्हें मथुरा के कोतवाल भी कहा जाता है। छत्वा श्री मथुरायाश्च नामना भूतेश्वर शिवा
दत्त्वा दण्डं पातकीने भक्त्यार्थान मन्त्रतां व्रजत। भूतेश्वर भगवान यहाँ विराजमान है, भूतेश्वर चौराहा है ना, उसके बाद ही आगे जाते हैं। समस्त पापियों को दंड देने का अधिकार उन्हें ही है, और विशेष बात दंड ही नहीं देते, दंड देकर उनके पापों का समन करके उन्हें भक्ति प्रदान करते हैं। दुर्गति नहीं होगी, मान लो कोई अपराध बन जाए तो एकाध जन्म लेके भूत आदि बने पर यहीं के रहेंगे, तो ऐसी अगर सावधान रहें तो क्यों ऐसा दुर्लभ जन्म गमा। कई वर्णन हैं, यहाँ साक्षात भगवान भूतनाथ विराजमान हैं। समस्त जितने भी यहाँ जैसे कोई प्रेतात्मा या कोई ऐसे हैं तो उन्हीं के सब अंडर में हैं, वही इन सबको देखते हैं और कृपा करके भक्ति प्रदान करते हैं ताकि उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सके। ब्रजमंडल की उपलब्धि, श्री कृष्ण चरणों की प्रीति निश्चित प्राप्त हो जाना, तो उनको पवित्र करके श्री कृष्ण चरणों में पहुंचा देना, ये भगवान भूतेश्वर का काम है। भगवान जिस समय यहाँ विराजमान हुए तो स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने ही आज्ञा करी उन्हें, मथुरायाम च दैव त्वं क्षेत्रपालो भविष्यसि त्वयि दृष्टे महादेव मम क्षेत्रफलम भवेत्। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय यहाँ उनको आज्ञा करी कि आप रहिए, कहा आप मथुरा के क्षेत्रपाल होंगे, हे महादेव आपके दर्शन करके लोग मेरे धाम को प्राप्त करेंगे, मेरी प्राप्ति करेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा जी ने तप के द्वारा स्वयंभू जैसा पुत्र रत्न प्राप्त किया, वर्णन भी आता है कि मथुरापुरी में उनका शासन काल था, यहीं से संपूर्ण पृथ्वी को वो देखते थे। वरुण को जल का स्वामित्व प्राप्त हुआ यहीं से, मथुरापुरी से ही। अम्बरीश जी को महान भक्ति प्राप्त हुई यहीं से। ध्रुव जी को ध्रुव पद मिला। स्वयं प्रभु राम जी को लवणासुर पर विजय प्राप्त हुई। रावण को सब देवों पर जय यहीं से हुई, यहीं से जीता उसने जाकर। और शांतनु जी को भीष्म जी जैसे महान पुत्र यहीं से प्राप्त हुए। भगवान कह रहे हैं, गर्ग संहिता में वर्णन है कि मथुरा का नाम ले ले तो उसे कृष्ण नाम लेने का फल मिल जाता है। अद्भुत महिमा है, मथुरा का नाम सुनने से कृष्ण कथा श्रवण का फल मिल जाता है। मथुरापुरी का नाम सुन ले, कितने अपने लोगों के सौभाग्य हैं। चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, और फिर प्रेम धाम वृंदावन, इसकी स्पर्श करने से संत स्पर्श का फल मिल जाता है। मथुरा जी के स्पर्श से यहां की जैसे गंध बह रही है, उसका जो ही घ्राण इंद्रिय प्रवेश हुई उसको सूंघा तो तुलसी आदि जो प्रभु के चरणों में अर्पित हैं उनको सूंघने का फल मिल जाता है। मथुरा जी में 14 करोड़ वन हैं और 14 करोड़ तीर्थ विराजमान हैं। सबका तो वर्णन नहीं है पर कुछ कुछ का यहाँ वर्णन है। 14 करोड़ वन हैं, 14 करोड़ तीर्थ हैं, संपूर्ण यहाँ महिमा है। क्योंकि भगवान साक्षात विराजमान हैं जहाँ, तो कोई और बाहर क्यों रहना चाहेगा, सब यहाँ ब्रजमंडल में 84 कोस ब्रजमंडल में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, सब यहाँ गुप्त रूप से विराजमान हैं। आदिबद्री और भी जैसे जैसे अपने वर्णन करें, सब हैं यहाँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको विशेष रुचि लगे, पहले तो धाम की प्रदक्षिणा श्री वृंदावन धाम की, सबका सार है। और यदि मन हो तो ब्रजमंडल की परिक्रमा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे तीर्थ हैं, सरोवर हैं यहाँ कि महान फल देने वाले हैं। उन तीर्थों का, बाहर जो तीर्थों का भ्रमण किया जाए, उनका सेवन किया जाए, उनसे आपके पाप आदि नष्ट होते हैं, प्रभु की ओर बढ़ते हो। और यहाँ पाप नष्ट नहीं होते, पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है और पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है।
ये धाम की महिमा है। गली गली में मुक्ति घूमती रहती है, सुना है ना, अभी चार प्रकार से मथुरा जी मुक्ति देती है, मथुरा में जन्म हो या यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, मृत्यु हो या अंत्येष्टि संस्कार हो, कहीं बाहर मरे हैं और यहाँ उसका अंत्येष्टि त्याग कर दिया तो अभी उसे उसी पद की प्राप्ति होगी जो यहाँ रहने वाले को हो रही है। अक्रूर जी के साथ भगवान यहाँ आगमन हुए, जो ब्रज में गए थे जो वापस आए, नीलांबर पीतांबर धारण किए कृष्ण बलराम जी मथुरा की महिमा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये बात जो ही समस्त पूर्ववासियों को पता चली तो जो जैसी स्थिति में था दौड़ा, और दौड़ते विचार हुआ कि सामने जाए निकल जाएंगे क्या करें, तत्काल अपनी अपनी अट्टालिका पर चढ़ गए कि सामने तो हो सकता है ज़्यादा नहीं दर्शन हो पाए, वे देख पाए ना देख पाए, सब अट्टालिकाओं पर चढ़ गए, ऊंची ऊंची इमारतें, वेशभूषा ऐसी अटपटी ही है क्योंकि चिरकाल से यही अभिलाषा है, सब यही सुनते रहती थी कि गोकुल में वृंदावन में यहाँ प्रभु खेल रहे हैं, कभी तो दर्शन होगा, इसी अभिलाषा को वो हृदय में अपने पाल रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे। आज जो सुना था आज देखने का अवसर आ गया, तुरंत दौड़े। मणि मंडित मथुरा की बीथी बीथी पर पुष्पों को बिछाया गया है, स्वयं प्रभु पधार रहे हैं, पता नहीं किधर से प्रभु निकल आए, पूरा मथुरा की भूमि को सजाया गया, कोटि मन्मथ विश्वेश श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए सब व्याकुल हैं, प्रभु पधारे सब बावरे चिराभिलेषित। सोचो जिसका इंतजार हो रहा है पूरे जीवन, वो नेत्रों के सामने हो और कहीं मुस्कुरा दें बात कर लें, कैसी स्थिति होगी। अब सबके अंदर रह रहे हमारी ओर देखें कैसे, तो कुछ तो है नहीं, अच्छा आवाज़ दे तो कैसे सुनेंगे, क्योंकि वहाँ जय हो रही है, तत्काल बेड़ियों में पुष्प गुठे हुए हैं, उन्हें खोला और ऊपर से ऐसे पुष्प की वर्षा करते, प्रभु तिरछी दृष्टि से जो ही देखते निहाल कर देते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं, ऐसी महिमा, साक्षात स्वयं प्रभु यहाँ विराजमान हैं, बहुत समय तक यहाँ फिर विराजमान है फिर गए, ये प्रकट लीला। यद्यपि भगवान कभी यहाँ से नहीं जाते, कभी एक क्षण के लिए भी श्री ब्रज धाम को नहीं जाते, लेकिन प्रकट में जो लीला हुई है उसका यहाँ वर्णन है। यहाँ की सब स्थलियाँ घाट तीर्थ भव्य भवन, यहाँ के वासी यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ की श्री यमुना जी स्थावर जंगम सब दिव्यत्व को प्राप्त है, दिव्य परिकर है, इनको देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए, और जो दिव्य दृष्टि चाहिए यहीं वास करने से वो प्राप्त होगी, इसका सेवन करने से प्राप्त हो जाएगी, ऐसी अद्भुत महिमा है। एक बार श्री यमुना जी जो विश्राम घाट पे हैं ही पूरे, उनके समीप उनके भ्राता पधारे श्री यम जी, उनसे प्रार्थना करी, उन्हें बुलाया यमुना जी ने ही, और उस दिन उनका जन्मदिन भी था, उसी को भाई दौज के नाम से जाना जाता है, और यमुना जी के भी यमुना षष्ठी कहते हैं, यमुना छठ के नाम से भी जाना जाता है, और लोक में उसे भाई दौज के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने देखा कि संपूर्ण जीवों का मंगल कैसे हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिससे पाप ना बने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो ही जाती है, सबका उद्धार हो, बहुत कोमल हृदय। उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए, कैसे यम की पास से भयानक नरकों से जीव बच जाए, तो विचार हुआ कि इसका समाधान है, श्री यमराज जी को बुलाया, यमराज आए बहुत प्रसन्न हुए, आकर उन्हें खूब सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया, प्रभु का अर्पित
बड़े संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए, कहा मांगो जो तुम्हें चाहिए। तो यमुना जी ने कहा कि भैया, जो लोग श्रद्धा पूर्वक आज के दिन, यद्यपि यमुना जी में किसी भी तरह स्पर्श हो, नाम उनका स्मरण हो कहीं भी, तो निश्चित आप यमपात से मुक्त हो गए। पर उस दिन का विशेष महत्व है, आज के दिन या इस स्थान पर मुझ में जो भी स्नान करेंगे, जो यमुना जी हैं, तो आप उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्त कर देंगे, आप उन्हें दंड आदि नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, आप इतना ही दीजिए। यमराज जी ने कहा ऐसा ही हो, जैसा तुम चाहती हो। संसार रूपी मरुभूमि से भटकते हुए, त्रेतापों से प्रपीड़ित, सब प्रकार से निराश्रित, नाना प्रकार के क्लेशों को सहन करते हुए, क्लेशों से क्लांत होकर जीव श्री कृष्ण के पद्म पद्मों में पहुंच जाए, इसमें सबसे समर्थ हैं श्री यमुना जी। उनका स्मरण, उनका दर्शन, उनका सेवन, जिस समय आप गोलोक से पधारी और जहां आकर रुकी, उस स्थान को विश्राम घाट कहते हैं, वहीं विश्राम घाट है। कंस को मारने के बाद प्रभु ने अपने परिकर के साथ यहीं उसकी अंत्येष्टि आदि की और कुछ देर विश्राम किया, इसलिए भी नाम विश्राम घाट पड़ा। बहुत महिमा का वर्णन करते हुए जा रहे हैं, हृदय में आनंदित हो रहे हैं श्री व्यास मिश्र जी, पूरा परिकर, क्योंकि ये तो साक्षात दिव्य मूर्ति हैं और प्रेम बपू प्रभु यहाँ इनके गर्भ में विराजमान हैं। विश्राम घाट का दर्शन हुआ, कंस को मारने के बाद, वहाँ वर्णन है, कंस को मारने के बाद प्रभु ने यहीं विश्राम किया, हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भी यहीं विश्राम किया बारह भगवान ने, लवणासुर को मारने के बाद भी यहीं विश्राम किया, गोलोक से जब यमुना जी पधारी तो यहीं आकर विराजी, इसलिए भी नाम श्री विश्राम घाट हुआ, इसलिए सबसे ज़्यादा महिमा में वह, यद्यपि सब हैं पर विशेष महिमा से युक्त उसको माना जाता है। यहीं पास में श्री पोतरा कुंड है जो कंस के किले में ही बनाया हुआ है, ऐसा कहते हैं यहीं श्री वसुदेव जी और देवकी जी स्नान करते थे। प्रभु का जब जन्म हुआ, उनके जब पीले वस्त्रों को धोया गया, इस कारण से इसकी महिमा बढ़ गई। ये अपने में इसी बात से महिमा युक्त है कि मेरे अंदर प्रभु के श्री अंगों के वस्त्र धोए गए। केशव देव जी, मथुरा मंडल के रक्षक श्री भूतेश्वर जी, श्री विश्राम घाट, समीपस्थ तीर्थ अनेकों, और मथुरा जी के द्वारिकाधीश यमुना जी, गताश्रम तीर्थ ये मथुरा में ही है, और अनेकों टीले हैं, ध्रुव टीला, ऋषि टीला, कलयुग टीला, बलि टीला, कंस टीला, रजकवध टीला, अम्बरीश टीला, हनुमान टीला, गताश्रम टीला, यहाँ महादेव कई रूपों में विराजमान है। श्री भूतेश्वर, श्री गोकर्णेश्वर, श्री पिप्पलेश्वर, श्री रंगेश्वर, श्री गलतेश्वर, श्री कालिंदीश्वर, श्री सोमेश्वर, श्री रामेश्वर, श्री वीरभद्रेश्वर, इस रूप से श्री महादेव विराजमान है। मथुरा जी के कुंड, शिवताल कुंड, बलभद्र कुंड, पोतरा कुंड, महाविद्या कुंड, सरस्वती कुंड आदि, इनका श्रवण हो रहा है ना, ये हृदय की मलिनता को दूर करके प्रभु के चरणों में अनुराग प्रदान करने का है ये महिमा। अपना एक ही है, सब कर मांगत एक फल, राम चरण रति हुए, इसके श्रवण से बिना मांगे बिना चाहे हमारे हृदय में श्री युगल सरकार के चरणों में रति बढ़ जाएगी, ये इसकी महिमा है। मथुरा जी के घाट, वासुदेव घाट, अस्कुंडा घाट, मणिकर्णिका घाट, कृष्ण गंगा घाट, गौ घाट, दस्वाश्वमेघ घाट, सांब घाट, तिंदुक घाट, इसको बंगाली घाट भी कहते हैं, नाग तीर्थ घाट, सोम तीर्थ घाट, अस्सी घाट, धारापतन
घंटाभरण, बैकुंठ, प्रयाग, अतिसुख, कनखल यहाँ के घाट हैं और अनेकों तीर्थ हैं। मंदिर शत्रुघ्न जी का मंदिर है, कुब्जा कृष्ण मंदिर है, कंस काली मंदिर है, यहीं जिस समय भगवान को वसुदेव जी ने गोकुल में आकर विराजमान किया और वहाँ से जो कन्या लेकर वापस गए, कंस को जो ही पता चला कि बालक हुआ है, वो एकदम दौड़ा, चरण पकड़ के जैसे ही मारने को वो आकाश में चली गई। तो इसी को कंस काली मंदिर कहा जाता है। वहीं उसने कहा कि तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। चामुंडा देवी मंदिर, सरस्वती मंदिर, महाविद्या मंदिर, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, गर्तेश्वर महादेव मंदिर आदि ये हैं। और भी सबका स्मरण कैसे हो सकता है, तो मानसी सबको प्रणाम है। श्री व्यास जी कहते हैं, हरिराम व्यास जी, धनी धनी मथुरा, धनी धनी मथुरा, धनी मथुरा के वासी हो, अपने हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। जीवन मुक्त सवे बिहरत हैं, केशव राय उपासी हो। यही केशव राय जी हैं जिस समय महाराज जी काशी से अयोध्या जी और अयोध्या जी से चित्रकूट, वहाँ से यहाँ आए, तो सर्वप्रथम विश्राम घाट के बाद केशव देव जी का दर्शन हुआ। केशव देव जी का दर्शन करते ही महाराज जी की अद्भुत भावमय अवस्था, जटाजूट और देख रहे, नेत्रों से अश्रु बह रहे, वहाँ अनेकों चढ़ावे चढ़ने लग गए, सब जय हो चरणों की धूल लेके जा रहे, सब अपने भाव में महाराज जी डूबे हुए हैं। जब किसी ने देखा क्या है, बहुत सुंदर हैं श्री केशव देव जी, वहाँ जैसे उत्सव आदि होते हैं ना, तो काली घटा आदि अपने तो दर्शन हुए हैं, वहाँ छाती है, बहुत सुंदर दर्शन होता है। तो वहीं महाराज जी खड़े थे। बाद में जब प्रार्थना की गई कि कहाँ से कैसे बताएं, हम यहाँ रमण रीति जाना चाहते हैं, पहुँचा दोगे? बोले हाँ। बोले ये सब हमें नहीं चाहिए, सब ले लो। सब वहीं दिया और कहा हमें बस वृंदावन रमण रीति पहुँचा दो, रमण रीति। तो उन्होंने सोचा यही रमण रीति, तो यहीं छोड़ गए। देखो प्रभु कैसे लेके आए। और महाराज जी की बात थी कि श्री शरणानंद स्वामी जी रमण रीति वहाँ, पर प्रभु की इच्छा यहाँ बुला लिया, यहाँ छोड़कर चले गए। समस्त मथुरा के वासी जीवन मुक्त हैं और केशव राय के उपासी हैं। दिखाई दे रहे हैं हमें तुम्हें ऐसी लीला करते हुए, लेकिन सब जीवन मुक्त हैं। माला तिलक हृदय अतिराजत, मुनि जन ज्ञान प्रकाशी हो, स्थावर जंगम सवे चतुर्भुज, काम क्रोध कुल नाशी हो। दर्शन मात्र से समस्त हृदय के जो विकार उनका नाश हो जाए, ऐसी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सुगम नदी विश्रांत जमुन जल, मज्जन काल विनाशी हो, व्यास दास सटपुर दुरी सब, हरिपुर भयो उदासी हो। व्यास जी कह रहे हैं समस्त जो और पुरियां हैं, सप्तपुरियों में छह पुरी गौड़ कर दी और आप यहीं आके लीला करे, इसलिए महान महिमा से युक्त है। धनी धनी मथुरा, धनी धनी मथुरा, धनी मथुरा के बासी हो। श्री मथुरा पुरी जी की जय। अब यहाँ से आगे पधारेंगे, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।